तो स्टफिंग भर के सारे समोसे मैंने तैयार कर लिए, अब इसे फ्राई करने चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो समोसे हर जगह बनती है, लेकिन आज मैं बंगाली स्टाइल समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी। स्पेशली मिठाई दुकान में इस तरह के समोसे बनते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आलू। यहाँ पे मैंने 2 लार्ज साइज के पोटैटो लिया है और उसको बॉयल करके इस तरह से मैश कर लिया है। कुछ कुछ को मैंने इस तरह से छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया और छिलका मैंने कुछ कुछ छोड़ा है जानबूझ के। अगर आपको ये छिलका पसंद नहीं है तो आप बिना छिलके के भी बना सकते हो। समोसे के स्टफिंग बनाने के लिए बॉयल आलू के साथ साथ हमें और चाहिए ये है अदरक और हरी मिर्च, इसको मैंने कूट लिया है। यह है कसूरी मेथी, यह है 5 फोरन और यह है कश्मीरी रेड चिली। आपके पास अगर कश्मीरी रेड चिली अवेलेबल नहीं हो तो आप नॉर्मल मिर्च से भी बना सकते हो। और चाहिए कुछ मूंगफली के दाने। सबसे पहले हम समोसा के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। इसमें हम डालेंगे 5 फोरन और इसको सूखा भून लेंगे। साथ में डाल देंगे कश्मीरी रेड चिली, इसको तोड़ के डाल देंगे। मैंने पहले भी बोला, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्च से भी बना सकते हैं, बस डीसीड कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत तीखा होता है। इसको बस हल्का सा कलर देंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन इसको नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। अच्छे से भून चुका है ये मसाला और इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे और दरदरा कूट लेंगे। इसको पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल। जैसे ही तेल गर्म होता है इसमें हम डाल देंगे मूँगफली और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसे भी बहुत ज़्यादा लाल करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक भून लेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। मूंगफली अच्छे से भून चुका है, अब इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे और थोड़ा सा इसको कूट लेंगे। अब हम तैयार करेंगे समोसे के लिए स्टफिंग। इसके लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने। फिर से ऑयल गर्म होते ही इसमें डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इस स्टेज पे डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, ये ऑप्शनल है। आपको अगर हल्दी वाला पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल मत डालिएगा। साथ में डाल देंगे मैश किया हुआ आलू। साथ में मैं डाल दूंगी ये कुटा हुआ बादाम। कुछ मूंगफली मैंने होल रखा है और कुछ मैंने कूट लिया है। इसी स्टेज पे हम नमक डाल देंगे। मैं साथ में डालूंगी थोड़ी सी चीनी। साथ में डाल देंगे वो भुना हुआ मसाला 5 फोरन और मिर्च का जो मसाला मैंने बनाया था, जो कूट के रखा था, और डाल दूंगी कसूरी मेथी। समोसे के लिए स्टफिंग तैयार है। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इसका डो बना लेंगे। समोसे के लिए आटा तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा लिया है। अब इसमें डालूंगी थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी अजवाइन, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में मिलाऊंगी नमक, मिलाऊंगी ऑयल और इसे खस्ता बनाने के लिए डालूंगी 1 टीस्पून बटर। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। पहले अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट मिला लेंगे, उसके बाद इसमें पानी मिलाएंगे। इसका आटा हमें बहुत गर्म नहीं लगाना है। इसमें हमें शायद और ऑयल चाहिए क्योंकि जैसे ही हम इसमें मुट्ठी में ले रहे हैं ये आसानी से टूट रहा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल मिलाऊंगी। इसको फिर से अच्छे से मिला लूंगी। अब इसमें जैसे ही मुट्ठी में ले रहे ये अच्छे से इस तरह से बन रहा है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और इसका डो तैयार करेंगे। इसका डो मैंने अच्छे से तैयार कर लिया। अब इसे ढक के 30 मिनट के लिए कम से कम रेस्ट होने के लिए रख देंगे। 30 मिनट हो चुका है, अब इसको ढक्कन हटा के देख लेते हैं। ये तैयार है, रेस्ट हो चुका है इसका। अब हम समोसा बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले समोसा के लिए हम इस तरह से
पेड़े काट लेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको सूखे आटे में थोड़ा सा लपेट लेंगे और इसको बेलेंगे। इसके लिए हमें लंबा बेलना होगा, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं चाहिए। हमें इस तरह से लंबा बेल लिया, अब इसको बीच में से कट कर लेंगे। किसी साइड अगर ज्यादा मोटा लगे तो बेल लीजिएगा। अब इस साइड में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से इसे स्टिक कर लेंगे और अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे ताकि बाहर कोई भी स्टफिंग ना निकले। अगर यहाँ से हम अच्छे से स्टिक नहीं करेंगे तो स्टफिंग बाहर आ सकता है। अब इसमें हम स्टफिंग डाल देंगे। अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब फिर से चारों ओर पानी लगा लेंगे ताकि अच्छे से ये स्टक हो जाए। इस तरह से एक फोल्ड देंगे और इसको आगे ले आके यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो बनके तैयार है समोसा। इस तरह से हम हर एक समोसा तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग भर के सारे समोसे मैंने तैयार कर लिए, अब इसे फ्राई करने चलते हैं। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है एक कढ़ाई में। इसके लिए समोसे तलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल की ज़रूरत नहीं है। तेल हल्का गर्म हो चुका है, इसमें अब हम समोसे छोड़ देंगे एक एक करके। अब इसे धीमे आंच पे होने देते हैं। फ्लेम मैंने स्लो से मीडियम रखा है और इसको धीरे धीरे तलेंगे। बहुत हाई फ्लेम में समोसे नहीं तले जाते क्योंकि वो जल्दी जल जाते हैं। एक साइड से ये लाल हो चुका है, फ्राई हो चुका है। अब इसको पलट दूंगी और दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लूंगी और इसी तरह से एक एक करके हर एक समोसा मैं तल लूंगी। समोसा तीनों ओर से अच्छे से लाल हो चुका है, अब एक एक करके इसको निकाल लेंगे। देखिए इसमें कोई बबल्स नहीं आया पूरी जैसा, इसका मतलब ये बहुत अच्छा और एकदम सही बना है। समोसे मैंने इस तरह से टिश्यू पेपर में निकाल लिया है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में आ जाए। बनके तैयार है यम्मी माउथ वाटरिंग समोसा। इसे ज़रूर बनाइए और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले किसी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय।